में कैद सनसनीखेज वारदात का ये वीडियो कलेजा कपा देने वाला है। आप देख सकते हैं दो लोगों के सीने में गोली उतार दी गई। अचानक चली गोली से अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन गोली चलाने वालों के दिल में कानून का रत्ती भर खौफ नहीं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी का है, और वीडियो में जिस शख्स की हत्या की गई वो कोई और नहीं बल्कि 7 मार्च को मौत के घाट उतारा गया चाय विक्रेता अशोक गुप्ता है। मुकेश बनारसिया नाम के फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, वाराणसी में ठोको नीत, हाले उत्तर प्रदेश, हत्या प्रदेश में दिन दहाड़े हत्या, कानून व्यवस्था का खुलेआम मजाक, बेखौफ सत्ता संरक्षित गुंडों ने वाराणसी में चाय वाले को दिन दहाड़े गोली मार दी। फेसबुक पर यही पोस्ट वायरल हो गई। हमने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। पता चला कि 7 मार्च को वाराणसी में अशोक गुप्ता नाम के चाय विक्रेता को गोली मारी गई थी। इस गोलीकांड की वजह चौंकाने वाली है, क्योंकि शाजिद, शाहिद और सुखविंदर ने अशोक को सिर्फ इसलिए गोली मार दी क्योंकि उन्होंने सिगरेट देने से मना कर दिया था। वारदात की जानकारी वायरल वीडियो में एक हद तक सही मिली, लेकिन वायरल वीडियो में सबसे बड़ा पेच दिखा जो फेक न्यूज की तरफ इशारा कर रहा था। गोली चाय बेचने वाले पर चली थी, लेकिन वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दो लोगों को गोली मारी गई। यानी वायरल वीडियो वाराणसी में अशोक गुप्ता गोलीकांड का नहीं। वायरल वीडियो की पड़ताल अब और भी जरूरी थी कि आखिर गोलीकांड का वीडियो कहां का है। हमारी टीम ने पड़ताल को आगे बढ़ाया तो वायरल वीडियो को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। यानी हमें वीडियो से जुड़ा एक और वीडियो मिल गया जिसने पूरी घटना को शीशे की तरह साफ कर दिया। पहला वायरल वीडियो जिसमें कत्ल का दावा किया गया, दूसरे वीडियो में वायरल खबर का पूरा सच है। आपने वायरल वीडियो देखा, अब इस वीडियो का दूसरा पहलू यानी सच को बहुत गौर से देखिए। जिस वीडियो को उत्तर प्रदेश की ठोको नीति बताकर वायरल किया गया, हकीकत में वो वीडियो रियल नहीं, रियल लाइफ का है, यानी रुपहले पर्दे का, फिल्म की शूटिंग वाला सीन है। आप देख सकते हैं वायरल वीडियो में जिसे गोली लगी अब वही शख्स खुद खड़ा हो जाता है और उसकी शर्ट पर खून लगा हुआ है। शूटिंग के दौरान मौके पर मौजूद लोगों की भीड़ भी आपको दिखेगी जो इसे देख रहे हैं, जबकि शूटिंग के दौरान क्रू मेंबर अपने काम में जुटे हैं। कोई अगले शॉट के लिए ट्राइपॉड लगा रहा है, कोई लाइट लेकर जा रहा है। ये चौंकाने वाली बात है कि फिल्मी सीन को गोलीकांड का वीडियो बताकर सोशल मीडिया पर वायरल कराया गया। हमारी पड़ताल में हत्या की खबर भी गलत निकली, क्योंकि चाय वाला घायल है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है, लिहाजा वीडियो से जुड़ा दावा हमारे वायरल टेस्ट में फेल हो गया।